हाय देयर, ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाइलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 39 है। इसके अंदर आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाइलाइटेड लेसन भी आपसे, ये हाइलाइटेड जो हैंडआउट है ये भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है बेंचमार्किंग। सो बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग के अंदर हम कंपेयर करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम कंपेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को, इंस्ट्रूमेंट को और जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। बेंचमार्किंग इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल के अंदर हम अपनी ही परफॉर्मेंस को, अपनी फर्म की परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करते हुए इवेल्यूएट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोग्रेस को, गोल्स को सेट करते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में हम सिंपली कंपेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी से। उसके बाद है जीरो डिफेक्ट लेवल। जीरो डिफेक्ट लेवल से मुराद वो स्टेज होता है जब कोई डिफेक्ट नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फिर कंसंट्रेशन इन बेंचमार्किंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस टू बी बेंचमार्क। सो जब हम इंटर होते हैं बेंचमार्क के अंदर तो हमें देखना चाहिए कि कौन से प्रोसेस को बेंचमार्क होना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे हमारा जो सेल्स फॉरकास्टिंग का मेथड है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, और हम कंपेयर करेंगे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्राइसिंग कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, क्या प्राइस चार्ज कर रही हैं और कौन सा प्राइसिंग उनका मैकेनिज्म है और प्राइसिंग सिस्टम है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हम कंपेयर करेंगे कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक्चुअली हम ये कंपेयर करेंगे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और उसके बाद है फिर मेंटेनेंस, मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सो हम हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड का जो मेथड है वो क्या है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। और उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजी के, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस है, लोकल है या फिर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आता है फिर की वेरिएबल्स इन आ प्रोसेस। सो जब हम बेंचमार्क करेंगे प्रोडक्ट को तो हम देखेंगे प्रोडक्ट का जो शेप है, प्रोडक्ट का कलर, उसका साइज, वेट, एंगल और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह को। और अगर हम बात कर रहे हैं सेलिंग और मार्केटिंग की तो उसके अंदर हम कॉस्ट देखेंगे और उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड, जो नीड पूरी नहीं हुई है कस्टमर की, और प्रोडक्टिविटी यानी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर सकती है अपनी प्रोडक्टिविटी को। और इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स, कि क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। और इसके अलावा टाइमलीनेस, टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशली जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो। और प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन यानी कि कैसे प्रोडक्ट जो एक मार्केटर की डिफरेंट है दूसरे मार्केटर से। और इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्लान। सो फॉर बेंचमार्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए बेस्ट प्लान या प्रैक्टिसेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद है फिर मेजरमेंट ऑफ ओन परफॉर्मेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना चाहिए अपनी खुद की परफॉर्मेंस, और जहन में रखना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड ना किया जाए बेंचमार्किंग के लिए, डिफरेंट वेरिएबल्स को चूज किया जाए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। और उसके बाद है फिर एक्शन टू ब्रिज द गैप। सो गैप को आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं और कहाँ हमारी लैकनेस है और हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर है और हम कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। सो ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए बेंचमार्किंग के लिए जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो मार्केट के अंदर। और बेंचमार्किंग जो है दो डिफरेंट, बिल्कुल ही मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हो उनके लिए भी बेंचमार्किंग की जा सकती है। और बेंचमार्किंग जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी की जा सकती है कि कौन बेस्ट है एटीट्यूड के अंदर, कौन बेस्ट है स्टडी के अंदर और कौन जो है ज़्यादा ऑबिडेंट है अपने बड़ों के साथ, इन तमाम चीज़ों की। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 39 करवाया गया। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ये हाइलाइटेड हैंडआउट भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।